जीवाणा में जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का जालौर विधायक जोगेश्वर गर्ग के मुख्य आतिथ्य में हुआ शुभारंभ। उद्घाटन मैच में बावत्रा ने याद खान की ढाणी टीम को हराया। प्रतियोगिता में कुल 14 टीमें ले रही भाग। साहिला उपकुंड क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जीवाणा में 65वीं जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता 14 वर्ष आयु वर्ग का शुभारंभ गुरुवार को हुआ। कार्यक्रम का आयोजन जालौर विधायक जोगेश्वर गर्ग के मुख्य आतिथ्य व उप सरपंच दशरथ सिंह मेड़तिया की अध्यक्षता में हुआ। बतौर विशिष्ट अतिथि के नाते सीबीओ फूलसन, आरएमजीबी बैंक के सेवानिवृत्त जीएम परमानंद भट्ट, पूर्व प्रधान राम प्रकाश चौधरी, भामाशाह जितेंद्र सोनी, प्रकाश पारक मौजूद रहे। कार्यक्रम का आगाज मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। विधायक गर्ग ने खिलाड़ियों से परिचय करते हुए बैटिंग कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस मौके पर विधायक गर्ग ने कहा कि खेल से आपसी मेलजोल बढ़ता है और समाज में भाईचारे का संदेश जाता है। प्रतियोगिता खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए जरूरी है, उन्हें अवसर उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि वे हमेशा खिलाड़ियों के साथ हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा की कमी नहीं है, खेल व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। इस दौरान प्रधानाचार्य सुशील जैन ने बताया कि प्रतियोगिता में जिले की 14 टीमें भाग ले रही हैं। इस दौरान अतिथियों का साफा व माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। उद्घाटन मैच बावत्रा व याद खान की ढाणी के बीच खेला गया, जिसमें बावत्रा विजय रहा। कार्यक्रम में मंच संचालन प्रमोद भारती ने किया। इस दौरान प्रतियोगिता प्रभारी परबत सिंह भाटी, छह प्रभारी अरविंद पारंगी, प्रतियोगिता संयोजक ताहिर शम्मा, सुरेश सागर, पार्श देवड़ा, परखाराम, सुंदरेश संत, सुरेश कुमार, करनाराम सहित खिलाड़ी व ग्रामीण मौजूद रहे। सेकेंडरी स्कूल भूपुरा, राजेंद्र गुरु स्कूल जीवाना, हयात खा की ढाणी संगाना और राजकीय और उच्च माध्यमिक विद्यालय बावत्रा के बीच खेला जाएगा। सभी खिलाड़ी सावधान, किस टीम खड़े रहे। अंडर 14 खेलकूद प्रतियोगिता, क्रिकेट प्रतियोगिता के उद्घाटन के अवसर पे आप सब लोगों के बीच में आने का मुझे मौका मिला। इस दौरान हमारे बीच में विराजमान है आदरणीय शिक्षा विभाग के ब्लॉक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जी, आदरणीय फूलचंद जी साहब मेरे साथ पधारे। राजस्थान मरुधरा होगा, कबड्डी खेलो, शरीर मजबूत होगा, आपका व्यायाम भी होगा, क्या सब कुछ होगा। एकमात्र क्रिकेट ऐसा खेल है जिसको खेलने के लिए खिलाड़ी को फिट होने के लिए अलग से व्यायाम करना पड़ता है, अलग से उनको फुटबॉल खेलना पड़ा। टीवी पे देखते होंगे टीम गई है क्रिकेट खेलने के लिए, एक दिन पहले वो कभी फुटबॉल खेल रही है, कभी वॉलीबॉल खेल रही है, कभी बास्केटबॉल खेल रही है। क्यों भाई, क्रिकेट